आपको तो पता है अब साथ काम करना थोड़ा मुश्किल है। कंपनी की तरक्की के लिए मैंने डिसीजन लिया है कि आज से हम अलग हो जाएंगे। ये डिसीजन फाइनल है? यस, वी विल सेपरेट। मैं हूं सुभाष एहसास और आप देख रहे हैं कारवां। जब हम किसी किरदार को पर्दे पे देखें और देखते देखते हम उसमें जीने लगें, मानो सब कुछ हकीकत में हो रहा हो, किरदार हंस रहा हो तो हम भी हंसने लगें, किरदार के रोने की आवाज़ हमारी आंखों से आंसू बन के निकलने लगे, तो हमें समझ लेना चाहिए कि अभिनय अपने चरमोत्कर्ष पे है। अभिनय की इसी सार्थकता को खुद में समाए एक कलाकार हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने अपने संघर्ष के दम पे माया नगरी मुंबई में अपनी जगह बनाई है। एक पंक्ति में परिचय दिया जाए तो नाम है सोनू मिश्रा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। आज से लगभग एक दशक पहले, जब इंटरनेट का भी बूम नहीं था, तो एक लड़का चूरू से एक्टर बनने का सपना कैसे देखता है? वो क्या है कि YouTube और Facebook तो आ जाए हैं। उस ज़माने में क्या है, ज़माना नहीं, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि मैं आदम के ज़माने का हूँ। ये है कि शुरू से ही नाटक करने का शौक था, स्कूल से ही। यहाँ ये गांव है अपना बुचावास जी, यहीं पर ही स्कूल में मैं नाटक किया करता था जी। और पढ़ाई में ठीक था, बट मैं ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ जिसको बोलते हैं अपन, उसमें मैं बहुत अच्छा था। तो शुरू मतलब स्टार्टिंग से मुझे लग रहा था कि हाँ, मतलब कुछ अलग करना है मुझे, ये तो था मेरा जी। फिक्स था मेरा कि कुछ अलग करना है, पता नहीं था अलग क्या करना है। तो गांव से सरदार शहर निकला और सरदार शहर में ये डिसाइड हुआ कि हाँ, अभिनय करना है। अच्छा, ये है कॉलेज में जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था उस दौरान की बात है। अच्छा, ये है। शुरुआत कैसे हुई अभिनय? शुरुआत ये हुई कि मैं, मुझे याद है कि हनुमान जी का मैं भक्त हूँ और हनुमान जी के मंदिर में मैं और मेरे 7-8 दोस्त जो हैं, वो हम लोग इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर है, आप जानते हैं। अच्छा अच्छा। हम वहाँ गए हुए थे और वहाँ पर हम सब लोगों ने दर्शन किए। दर्शन करने के बाद पता चल रहा है कि वहाँ पे कुछ राजस्थानी फिल्म मेकर्स आए हुए हैं वहाँ पर। अच्छा। और वो जो राजस्थानी फिल्म मेकर्स थे, उनको मैं पहचान गया कि हाँ, ये एक्टर राजस्थानी फिल्म में करते हैं ये जी। तो मैंने उनको बोला कि मुझे ऑटोग्राफ चाहिए आपका। उनका ऑटोग्राफ लिया मैंने। ऑटोग्राफ लेने के बाद उन्होंने बोला कि क्या आप एक्टिंग करोगे? मैं बोला एक्टिंग तो मेरे को आती नहीं है। अच्छा। तो बोले नहीं, आपको एक फिल्म में चांस देंगे हम। ठीक है, पता नहीं क्या मेरी बातचीत से लगा हुआ है, जो भी उनका क्या था। तो शुरुआत यहाँ से हुई और फिर उन्होंने मुझे जो फिल्म थी, एक राजस्थानी फिल्म थी, उसमें उन्होंने अवसर दिया। अच्छा। हाँ, और वहाँ से फिर बहुत छोटा सा रोल था, 5-7 मिनट का रोल था। उसके बाद डिसाइड हुआ कि नहीं, ये अभिनय है, ये सीखना चाहिए अपन को, ऐसा काम चलेगा नहीं। और वहाँ पर क्या होता है, जब आपको कुछ चीज़ आती नहीं है, जैसे आपने देखा होगा हम जिम के अंदर जाते हैं, बॉडी बिल्डर जो दोस्त हो, जो लड़के होते हैं, और एक नया नया लड़का आता है, कोई भी सामान अगर उसके हाथ से उठता नहीं है, वेट उठता नहीं है, तो वो उस पर हंसते हैं। हाँ। तो मेरे साथ भी वही हुआ था, जब अभिनय कर रहा था तो मैं अपने आप को जब पहली बार देखा तो मेरे को अचंभा हुआ कि यार ये क्या है। पहली चीज़। दूसरी, जो वहाँ की यूनिट है, कुछ लोग हैं, सारे लोगों का मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं यार, ये यहाँ पे मजाक का पात्र बन रहा हूँ मैं, अगर मुझे रियल में अभिनय करना है, और वो दिल पे लग गई थी बात। अच्छा। तो रियल में अभिनय करना है तो मुझे ये कला सीखनी पड़ेगी। तो वहाँ से एक जुनून आया कि मैं किस, ऐसा क्या करूँ कि मैं मुंबई पहुँच पाऊँ। अच्छा। तो मैं जयपुर चला गया फिर, और वहाँ पर थिएटर है जवाहर कला केंद्र। अच्छा। बड़ा प्रसिद्ध है राजस्थान में जी जी, और बहुत ही प्रसिद्ध वहाँ के डायरेक्टर हैं, जो पिछले 40-45-50 वर्षों से वो थिएटर कर रहे हैं। अच्छा। श्री इरफान खान जी के भी गुरु रहे हैं वो। तो उनके सानिध्य में मैंने अभिनय के गुरु सीखे और उसके बाद जर्नी शुरू हुई। अच्छा। राजस्थानी मतलब इंडस्ट्री में भी आपने बहुत सी फिल्में वगैरह की हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। राजस्थानी फिल्में क्या था कि हमारी राजस्थानी फिल्मों का दौर अब तो और ज़्यादा ख़राब है। जब मैंने शुरुआत की थी तब थोड़ा ठीक ठाक था, तब भी ख़राब होना शुरू हो गया था। अच्छा। तो जब मैंने पहली फिल्म राजस्थानी की, उसके बाद जब मैं MBA कर रहा था तब मैंने दूसरी फिल्म की, तो मैं, मेरी स्टडी के दौरान ही मैंने
तीन चार राजस्थानी फिल्मों में काम कर लिया था मैंने। अच्छा ठीक है। फिर मुझे लगा कि मुझे कुछ और बेहतर करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं राजस्थान से मुझे प्यार नहीं था, क्योंकि वो राजस्थानी जो काम मैं करना चाहता था या जो मुझे ऐसा लगता था कि और बेहतर चीज़ें होनी चाहिए, वो फिल्में बन नहीं रही थी यहाँ पे। यहाँ पे काम हो रहा था, धार्मिक फिल्में बन रही थी, किसी भगवान के नाम पर बन रही थी, या फिर सेल्फ प्रोक्लेम्ड एक्टर जो बोलते हैं कि भाई जो जिनकी उम्र तो थी मान लो 60 साल। अच्छा। और वो अपने आप को 25 साल का लौंडा दिखा के और हीरो बन के आ रहे थे, पैसे की ताकत से वो खुद ही पैसे लगा रहे होंगे। तो राजस्थान की गवर्नमेंट है या राजस्थान की जो ऑडियंस है वो कहाँ से एक्सेप्ट करेगी कि बहुत ही, और ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने अपने आप को मेंटेन कर रखा हो ये वो, तो कहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे अपन कि राजस्थानी फिल्में अच्छी चले या ऐसा चले वैसे चले। तो मुझे लगा नहीं, मेरी दाल नहीं गलेगी इधर। अच्छा। मैं जैसा सिनेमा चाह रहा था, मैं वापस आऊँगा राजस्थानी इंडस्ट्री में, फिल्म बनाऊँगा मैं। अच्छा। और पर वो वैसी बनाऊँगा जो लगना चाहिए कि हाँ है प्रॉपर, मतलब आज राजस्थान की ऑडियंस भी देख पाए, जैसे यूट्यूब के वीडियोज़ को प्यार देती है वैसे ही राजस्थानी फिल्मों को प्यार दे। मैं करूँगा, डेफिनेटली करूँगा। पर तब मेरे को समझ में आ गया था, ये 2012 की बात है, तब मैंने डिसाइड किया था कि मैं राजस्थानी फिल्मों में काम अब नहीं करूँगा। अच्छा। उसके बाद मैं आपको बताना भूल गया, मैं 2011 में MBA किया मैंने। MBA करते ही मुंबई चला गया था मैं। वो पूरी कहानी क्या है मुंबई जाने की? मुंबई का ये है कि घर वालों को मैंने बोला कि मुझे MBA करना है। अच्छा। घर वालों ने हाँ कर दी। अब मुंबई का किस्सा ये है कि मुंबई का मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे मुंबई इसलिए जाना है क्योंकि मुंबई में इंडस्ट्री है सारी, और अगर मैं वहाँ जाऊँगा वहाँ पे MBA करके मैं जॉब करूँगा तो शायद मैं 1-2 साल जॉब करूँगा तो मुंबई को समझ लूँगा मैं कि मुंबई कैसी है। और घर वाले भी खुश कि हाँ भाई नौकरी करने जा रहा है, पर एक्चुअली में मेरा नौकरी का कोई इरादा नहीं। मैं मुंबई गया, पहुँचने के विद इन 15 डेज़, 15 दिन के अंदर अंदर मुझे काम मिल गया था वहाँ पर। अच्छा। एक बहुत बड़ा चैनल था, बंद हो गया वो, उस पर एक टीवी सीरियल मिल गया था जिसमें मैं मुख्य भूमिका में था। अच्छा। और 5-6 महीने शूटिंग चली, उसके बाद घर वालों को पता चला कि अरे ये तो एक्टिंग कर रहा है, ये क्या डांट लगाई ये वो। तो मैंने बोला कि मेरे को इतने पैसे मिल रहे हैं जितने MBA की जॉब को मुझे 5 साल हो जाएंगे उतने मिलेंगे। अच्छा। MBA की स्टार्टिंग 10,000 रुपये मिल रहे थे। और मैंने बोला कि जब मैं 5-6 साल MBA की नौकरी कर लूँगा तब जाके मुझे इतने रुपये मिलेंगे, इतने मुझे भी मिल रहे हैं महीने में। तो उन्होंने फिर हरी झंडी दे दी मेरे को, ये कहानी हुई। जब आप अपना घर बार छोड़कर मुंबई के लिए निकलते हैं तो कौन सा विश्वास होता है जो आपको वहाँ पर खींच के ले जाता है? क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है उस वक्त परिस्थिति, आप उस परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं कि आपको जब आप मुंबई पहुँचेंगे तो आपको ये भी पता नहीं होगा कि खाना कहाँ से मिलेगा पहले दिन का ही, तो वो कौन सा विश्वास था जो? मेरा ये मानना है, आपको एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जो छोटा बच्चा होता है उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता या उसके मामा जब छोटे बच्चे को ऊपर उछालते हैं तो छोटा बच्चा खुश होता है, उसको पता नहीं है कि वो गिर जाएगा ये वो, पर उसको इतना विश्वास है कि हाँ भाई वो खुश इसलिए हो रहा है कि नीचे पकड़ लेंगे भाई, वो जो भी उछाल रहे हैं उसको वो पकड़ लेंगे ना। मैं वही था, मैं मुझे पता ही नहीं था हनुमान जी संभाल लेंगे, मेरे को कुछ नहीं पता था क्या स्ट्रगल है कुछ नहीं है। एक चीज़ थी करनी है, ये अभिनय करना है, मुंबई में जाना है, कुछ नहीं पता था। अब एक्चुअली में पता चला है कि क्या स्ट्रगल है, क्या प्रोसेस है, कैसे क्या करना चाहिए। अब जाके वो जुनून है वो ज़्यादा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं पता था उस टाइम तो। उस टाइम तो एक छोटे बच्चे की तरह थे, निकल गए और बाकी कुछ होना है, हनुमान जी बजरंग बली कर लेंगे जो करना है। ये बिलीफ सिस्टम कितना काम करता है जो हनुमान जी पे आपका? ये बिलीफ सिस्टम काम करता है, डेफिनेटली करता है। मैं भगवान की नहीं बोला, आप किसी के भी प्रति, इंसान के भी प्रति आप आस्था है, आप अगर श्रद्धा रखते हो आप कि वो संभाल लेगा तो डेफिनेटली होता है, तो उसके साथ मेहनत भी करनी पड़ती है। तो मेहनत है और अगर विश्वास है और धैर्य है, ये तीनों चीज़ अगर मिलती है तो फिर क्या दिक्कत, अभी भी धैर्य रखे हुए हैं हम तो। ये है, जब हम इस तरीके का करियर स्टार्ट करते हैं तो फिक्स कुछ भी नहीं होता है और 99.99% में फाइनेंशियली प्रॉब्लम आती है, तो क्या आपके साथ फाइनेंशियली प्रॉब्लम आई है और इस स्थिति से निपटा कैसे जाए? देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही वही होती है क्योंकि क्या है, ज़्यादातर जो मुंबई में जो लोग जाते हैं वो पैसे वाले लोग होते हैं, वो जाते हैं। मेरा एक हमेशा फंडा है, मुंबई में सिर्फ 2 टाइप के लोग हैं, उन्हीं को अभिनय करना चाहिए या इस फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहिए। एक तो वो जिनका बहुत सारे पैसे हैं कि 2-4-5 साल तक अगर कुछ नहीं भी हुआ तो वापस आके अपना काम संभाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर दूसरे वो लोग मेरे जैसे लोग
तो जुनूनी हो जो अपनी जिंदगी अभिनय को दे दी हो, जो इसके बिना रह ही नहीं सकते, अच्छा वो जाइए। तीसरे आदमी के पास ऑप्शन नहीं है। तीसरा आदमी अगर सोच रहा है कि मेरे को जाना है और मैं देख लूँ आज मालूम नहीं, वो ना घर करेगा ना घाट करेगा, तो दो ही टाइप के इंसान है। तो मैं दूसरे वाला हूँ कि मेरे को पता था इसके अलावा मुझे कुछ आता ही नहीं, मुझे यही करना है। तो मैंने हर वो विधा सीखी जिससे मुझे पैसे मिले। मैंने शादियों से लेकर जन्मदिन से लेकर एनुअल फंक्शन से लेकर मैंने हर शो मैंने एंकरिंग की। मैंने मुझे पता ही नहीं था मैं एंकरिंग कर सकता हूँ, क्या कुछ पता ही नहीं था। लोग बोलते थे तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, ये है वो है। जब स्टेज पे गया, जब पहले स्टार्टिंग में 500 लोगों के सामने, 1000 लोगों के सामने, 2000, 5000, 10000, 15000, 20000 लोगों के सामने जब एंकरिंग करनी शुरू की, तो वहाँ से भी पैसे आना शुरू हुए। तो वो उन पैसों से मैं क्या करता था, एक किस्सा सुनाता हूँ आपको। स्टार्टिंग में जब मैं MBA करके गया, मैं घर वालों का सपोर्ट फाइनेंशली, ऐसा नहीं मेरे फादर टीचर हैं तो ऐसा नहीं कि फाइनेंशली मैं वीक था, पर फादर ने एक चीज़ बोली हुई थी कि हाँ भाई आप MBA करने के बाद अपना देखो आप, या मेरा भी एक सेल्फ था कि हाँ MBA करने के बाद खुद का निकालना है। तो मैंने क्या किया कि अब MBA के बाद घर वालों से पैसे मांग नहीं सकते, अब क्या करोगे आप, और मुंबई रहना भी है। तो मैंने एंकरिंग शुरू की, तो कहीं से स्टार्टिंग में 3000 रुपये मिलते थे, 2000 रुपये मिलते थे, 5000 रुपये मिलते थे। वो सारे रुपये मान लो 3 इवेंट कर लिए मैंने, 10000 रुपये इकट्ठे हो गए। वो 10000 रुपये लेके मैं मुंबई जाता था लोग ट्रेन पकड़ के, ठीक है। मुंबई में डोमेंट्री सिस्टम होता है वहाँ पर, जहाँ पे बहुत सारे मजदूर या जो सिलेक्ट जो 5 दिन 10 दिन के लिए लोग मुंबई जाते हैं, तो उनके ऐसे तो है नहीं वो फ्लैट ले लेंगे नहीं। हाँ, तो होटल टाइप का सिस्टम होता है, डोमेंट्री बोलते हैं। उस डोमेंट्री में जैसे ट्रेन में सीटें होती है ना ऊपर नीचे, वैसे ऊपर नीचे सीटें होती है उसमें। तो उसके अंदर कम से कम 40-50 लोग साथ में सोते हैं उसमें। अच्छा। हाँ, उसमें नीचे ऊपर नीचे ऊपर ऐसे करके 200 रुपये लगते हैं उसमें रात के सोने के। तो मैं क्या करता था, 10000 रुपये लेके मुंबई गया, वो 200 रुपये वाला पकड़ लिया था, 10 दिन में रुपये ख़त्म। तो 10 दिन में मैं स्ट्रगल करता था, 10 दिन उस डोमेंट्री में रहता था मैं जो भी मजदूरों के साथ, फिर स्ट्रगल करता था मैं ऑडिशन पर जाता था, फिर वापस आया, बाथरूम होता था मैं, एक्सरसाइज का शुरू से मुझे शौक रहा है, तो बाथरूम के अंदर अब बाल्टी में पानी भर के एक्सरसाइज करना, वहीं पे ही पुशअप वुशअप लगाना वो जगह बाथरूम के अंदर, ठीक है, क्योंकि और तो कहीं जगह मिलती नहीं थी। तो वो सिस्टम चला काफ़ी टाइम तक, 1 साल तक वो चला, मतलब रुपए ख़त्म, वापस जयपुर, वापस एंकरिंग, फिर 10000-15000 रुपये इकट्ठे हो गए, वापस मुंबई, फिर वहाँ पर अपने डोमेंट्रीज में रहना, स्ट्रगल करना, ये चला फिर 12 महीने तक। तो मुश्किलें आई बहुत ज़्यादा, फिर मुझे लगा कि नहीं यार ऐसा काम चलेगा नहीं, काम जो मैं चाह रहा हूँ वो मिला। मैं TV का हीरो बनने गया था मैं मुंबई के अंदर, जाते ही मुझे काम मिल गया था, ऐसा नहीं है, बट वो बताया ना मैं नया चैनल था, वो चैनल बंद हो गया, तो और मैं चाह रहा था कि ऐसा नहीं मुझे काम नहीं मिल रहा था, काम मिल रहा था मुझे मिल रहा था, हीरो का दोस्त हीरोइन का भाई ऐसा काम मिल रहा था। तो मुझे लगा मुझे ये काम नहीं करना है। ये करने के बाद मैं वापस जयपुर आ गया। अच्छा। मैंने डिसाइड किया कि ऐसा ऐसा चलेगा नहीं, अपने आप पे और काम किया, और राजस्थान के जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं, अच्छा, सब जगह मैंने नौकरी की आती है एक्चुअली। तो फाइनेंशियली वैसे ही ख़त्म हो गया, मुंबई छोड़ ही दिया था मैंने, एक्चुअली अच्छा। छोड़ा नहीं था, मतलब मुंबई से मैं धकेल दिया गया था जयपुर में, ये है। अब आपके कैरियर पर आते हैं, अभिनय के क्षेत्र में आपके कामों के बारे में अगर आप थोड़ा सा बताना चाहें, बड़े पर्दे पर छोटे पर्दे। छोटे मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे स्टार्टिंग मैंने की थी तो मैंने राजस्थानी फिल्में की है, जिसमें कुछ एक नाम बता देता हूँ, धन्ना जाट है एक फिल्म है, एक एजुकेटेड भीनणी है, एजुकेटेड भीनणी बड़ी अच्छी फिल्म थी, जिसका म्यूज़िक दिया था रविंद्र जैन साहब, रविंद्र जैन जो लेजेंड थे, उन्होंने म्यूज़िक दिया था उस फिल्म का। उसके बाद फिर जब मैं मुंबई गया, तो मुंबई में एक TV सीरियल किया था मैंने, मेरे मन का मीत एक सीरियल का नाम था, पर वो चैनल ही बंद हो गया। उसके बाद फिर सब TV पे सीरियल आता है तेनाली रामा, वो किया। बाकी एपिसोडिक जो आते हैं सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल वगैरह, ये बीच में किए। फिर मैंने एक सोनी पे सीरियल आता है विघ्न हर्ता गणेश, उसमें शिव जी के बेटे का रोल किया। एक हिंदी फिल्म है रिजवान नाम है उसका, जो 2020 में रिलीज़ हुई, उसमें काम किया मैंने, मुख्य विलेन था उसमें ये है। और अगर हाल ही के बारे में बात करें, अपन अभी के बारे में अगर 10-15 दिन पहले की या इन दिनों की बात करें, लॉकडाउन के बाद,
तो मैंने ये दंगल टीवी पे एक शो आता है क्राइम अलर्ट, उसकी बहुत सारी स्टोरीज़ में मैं मुख्य भूमिका में नज़र आ चुका हूँ और आ भी रहा हूँ इन दिनों। ये है रिजवान के बारे में थोड़ा सा बताओ किस तरीके। रिजवान जो फिल्म थी वो एक्चुअली क्या है कि मैं, मेरी एक पुरानी दोस्त थी केयूरी नाम है उनका, उनके साथ मैंने एक फिल्म की थी एजुकेटेड भिंडनी, जिसमें वो मेरी हीरोइन थी वो, और वो लड़की रिजवान में मुख्य हीरोइन थी। तो उन्होंने बोला कि सब कास्ट हो चुकी है, बड़ी फिल्म है, साउथ अफ्रीका में शूट हो रहा है, उसका विलन चाहिए ऐसा कि जो दिखने में हीरो भी लगे, विलन भी लगे और पढ़ा लिखा भी लगे, सारी चीज़ें लगे। ऐसा एक लड़के की खोज में थे डायरेक्टर सर। तो किसने डायरेक्ट किया? हरेश व्यास जी। हाँ, हरेश व्यास जी। हरेश व्यास जी जो मॉरीशस में रहते हैं और FTI पुणे से पास आउट हैं। तो उन्होंने बोला कि हरेश जी ऐसे एक चेहरे को देख रहे हैं, क्या तुम इंटरेस्टेड हो? तो मैंने बोला कि मैं, पहले तो मैंने मना कर दिया था कि मैंने बोला मैं विलेन से करियर की शुरुआत नहीं करना चाहता। फिर बोला कि तुम्हें मिलना चाहिए। तो मैं हरेश जी से मिला तो हरेश जी को मैं पसंद आया और मुझे भी सब कुछ सिस्टम सही लगा। तो हरेश जी ने 15 मिनट की मीटिंग में बोल दिया कि क्या आप तैयार हो अफ्रीका चलने के लिए? तो अपने 1 महीने 2 महीने बाद अफ्रीका चल रहे हैं। ऐसे करके रिजवान फिल्म हुई। ये है रिजवान में वो आपका एक डायलॉग है, वो तो एक वो जो ट्रेलर के अंदर वो थोड़ा सा बोल के, वो तो बहुत नॉर्मल है कि मतलब क्या है रिजवान जो कहानी है ना, वो है गुजरात का एक बिजनेसमैन है। वो आज से 25 साल पहले अफ्रीका में गया, ठीक है, गुजरात की पोरबंदर से निकल के अफ्रीका में गया और आज के टाइम में वो वहाँ का, ये मान लो कि मुकेश अंबानी है, इतने पैसे वाला है रिजवान जी जो है। अब उन्होंने क्या है कि चलो पैसे कमा लिए, अब उन्होंने सोचा गरीबों की मदद करें, गरीबों की मदद करें या फिर चैरिटी खोलें, बहुत सारा काम उन्होंने किया। अब उनकी ज़िंदगी में एक विलन भी था जो उनका पार्टनर था और फिर उनको उन्हीं की कंपनी खरीद लेता है और उनको निकाल देता है। तो उसमें एक डायलॉग था जिसमें वो उसके पास जाता है, उसको बोलता है कि जैसे मैं कैमरे में देख के बता देता हूँ, जैसे ये है कि कंपनी की तरक्की के लिए मैंने डिसीजन लिया है कि आज से हम अलग हो जाएंगे। डायलॉग था एक, ये है। आगे आप कहाँ नजर आने वाले? आगे अभी मैं ऑफिशियल जो है वो मैं आपको बता नहीं पाऊँगा, पर है एक बड़ी फिल्म है उसमें मैं काम कर रहा हूँ। सो उम्मीद करता हूँ कि मैं चुरू का जो नाम और ज़्यादा रोशन करना है वो और ज़्यादा रोशन करूँगा मैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितना काम किया है अभी तक और ज़्यादा पहचान बनानी बाकी है। अभी तो 10 साल से तो सीख ही रहा हूँ, ये मैं समझूँगा मैं, क्योंकि आजकल दौर है यूट्यूब का, डिजिटल का, और मैं इन चीज़ों पर बहुत कम एक्टिव रहता हूँ। तो शायद मेरा जो फेम है वो थोड़ा सा धीमा है, बट गहरा होने वाला है। ये है तो आगे जो काम आएगा वो बड़े ही अच्छे स्तर का काम आएगा और बहुत गहरा आएगा, ये मेरी कोशिश रहेगी। धीमे आँच पे सीखा हुआ खाना। हाँ, धीमे आँच पे सीखा हुआ खाना है, वो बड़ा ही अच्छा होता है, बेहतर होता है। तो क्राफ्ट का मैं ये मानता हूँ कि मैं सिर्फ अभिनेता नहीं, मैं एक अभिनेता को हर जो चीज़ आती है वो हर चीज़ मैं सीखना चाहता हूँ। मतलब मेरे को डांस नहीं आता था, वो सीख रहा हूँ इन दिनों में मैं। ये है, मैं एक्शन मार्शल आर्ट करता हूँ, मैं योगा करता हूँ, मैं हर चीज़ जो अक्षय कुमार करते हैं वो मैं हर चीज़ वो करता हूँ, ये आप कह सकते हैं। एक चीज़ ये भी है कि जो सोशल मीडिया का ज़माना है, क्या वो कला को नीचे स्तर पर लेके आ रहा है? डेफिनेटली लेके आ रहा है। देखो क्या है, अगर क्लासिकल चीज़ों की अगर बात करें, देखो सोशल मीडिया से कईयों के करियर भी बने हैं। सोशल मीडिया बुरा नहीं है, बुरा नहीं, ठीक है कि टैलेंट को बढ़ावा मिलता है, नो डाउट मिलता है, पर कई जगह बुरा है। बुरा ये है कि जो डिज़र्व करता है वो कहीं दबके रह जाता है। जो बहुत सारे आपको इंस्टाग्राम पे या टिकटॉक जब था, ऐसे लोग थे जिनको कुछ नहीं आता, सिर्फ लिपसिंग करके और उनको फॉलोअर मिलेंगे करोड़ों, वो चीज़ गलत है। सबसे बड़ी चीज़ वही है, वो माइनस पॉइंट है। एक चीज़ ये भी है कि लोग सिर्फ लुक के पीछे भागते हैं। नहीं, लुक होना अच्छी बात है, सिर्फ लुक से थोड़ी है ना काम। मतलब टैलेंट, एक सिंगर है तो उसका लुक से कोई कनेक्शन ही नहीं है। कोई कनेक्शन नहीं है उसका, सही बात है। हाँ, तो वो तो है, तो वो नुकसान भी है, वो बहुत ज़्यादा नुकसान है। मतलब
अच्छे टैलेंट, अब लोग मुझे बोलते हैं कि आपको सोशल मीडिया पे एक्टिव होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए। अब मैं जाके थोड़ा बहुत एक्टिव होना शुरू हुआ हूँ इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर, अब जाके थोड़ा थोड़ा रील वील, मेरे को बिल्कुल भी किसी दूसरे की आवाज़ में अगर कोई डायलॉग बोल रहा है उस दूसरे की आवाज़ में मेरे को, मैं क्यों बोलूँ, मतलब समझ रहे हो, मेरा बिल्कुल भी एक मेरा अंदर फील ही नहीं आता मुझे। गाना चलो ठीक है, दूसरे की आवाज़ को कोई डायलॉग चल रहा है उसमें मेरी, मैं खुद की आवाज़ में बोलूँगा, मैं दूसरे की आवाज़ में क्यों बोलूँ, मैं है ना, तो वो टैलेंट थोड़ी है दूसरे की आवाज़ में लिपसिंग करके आप डायलॉग बोल रहे हैं। ये पर आज का आजकल ओरिजिनलिटी खत्म हो रही है, ओरिजिनल आज का दौर चल रहा है, उस दौर में कोई बुरा नहीं है, आना चाहिए। और मैं भी इस दौर में ट्रेंड के साथ चल रहा हूँ, ये है। अभिनय के क्षेत्र में आपने पिछले 10 सालों में कड़ी तपस्या की है, तो आपसे मैं एक सवाल तो ये पूछ ही सकता हूँ कि एक अच्छा अभिनेता बनने के लिए क्या चीज़ें जरूरी है? सबसे बढ़िया चीज़ है एक अच्छे अभिनेता बनने के लिए अभिनय आना चाहिए। एक टीचर बोलते ना कि टीचर है कि अरे टीचर वो अच्छे शायरियाँ सुना, शायरियाँ नहीं, पढ़ाना आना चाहिए। अच्छे डांसर होता है वो क्या करता है, उसको नाचना आना चाहिए। अब बोलोगे अभिनेता को नाचना भी आना चाहिए, एक्शन आना चाहिए, तो अरे वो तो अलग सेकेंडरी चीज़ें हैं, सबसे पहली चीज़ क्या है, अभिनेता को अभिनय आना चाहिए, उसका नाम ही अभिनेता है। और आज के ज़माने में तो हर चीज़ मांगते हैं लोग कि हाँ बॉडी बनाओ ये बनाओ, पर मेरा ये मानना है कि नहीं, बॉडी बनाने का मतलब ये नहीं है कौन सा पहलवान बनना है, वो सेकेंडरी चीज़ है। पहलवान थोड़ी ना बनना है, हम अभिनेता हैं। मैं जिम स्टार्टिंग में करता था, अब जिम नहीं करता मैं, मेरे को ज़रूरत ही नहीं जिम की। अगर मुझे लगेगा कि 6 पैक्स दिखाने हैं तो मैं एक महीने में बना लूँगा मैं, क्योंकि आप नेचुरल बॉडी वेट एक्सरसाइज करो, मैं योगा करता हूँ, मार्शल आर्ट करता हूँ, जिम की ज़रूरत ही नहीं है आपको। नहीं, हम एग्जांपल देखते हैं बॉलीवुड के अंदर कि बिना लुक के बिना शरीर के भी लोग बहुत कामयाब हुए हैं। देखो वो किस्मत का मामला है, बट अगर आप में टैलेंट है तब जाके आप लंबे चलोगे। वो एक के दुख के किस्मत से चल रहे हैं वो अलग चीज़ है, देखो वो लक लिखा के लेके आए, अदरवाइज ऐसा नहीं है। आज के टाइम में आप चेंज हो रहा है, आप राजकुमार राव को देखो, आप राजकुमार राव हैं, वो उनका कोई बॉडी नहीं है कोई, सिर्फ अभिनय है उनका, है ना, सिर्फ अभिनय से चल। अगर आप रियल टैलेंट की बात करो, मनोज वाजपेयी जी को देखो आप, नवाजुद्दीन सिद्दीकी देखो, इरफान खान देखो, पंकज त्रिपाठी देखो, इनके नाम में कितने गिना रहा हूँ मैं। तो ये है, तो ये कहने की बातें हैं। और हम तो कोई बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर के तो बैठे तो है नहीं, हमें काम हमारे टैलेंट से मिलेगा, जितना क्राफ्ट पे काम करेंगे तभी जाके काम मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि रील पे फेमस हो गया कोई लॉन्च कर देगा, ऐसा नहीं है। तो उस क्राफ्ट पे 10 साल से काम, चाहे अभिनय हो चाहे बाकी की जो चीज़ें हैं छोटी छोटी टेक्निकल चीज़ें हैं। और मेरा ये मानना है कि अभिनेता बनने के लिए एक बोलते हैं 1% रेशियो है, हमारे इंडस्ट्री में बोलते हैं 99% फेलियर है और 1% सक्सेस रेशियो है। तो आप 99 क्यों, वो 1% तो है ना यार, उस 1% में खुद को मैं उसी में मानता हूँ, 1% वाले में एक तो है, तो उसमें 99 का क्यों सोचें हमें। एक सवाल यह था कि जब हम किरदारों को फ्रेम पे देखते हैं तो हम उनमें खोने लगते हैं, ऐसा लगता है कि चीज़ें हकीकत में हो रही हैं। तो जब आप खुद काम करते हैं फिर तो खुद को कितना उन चीज़ों में खोना पड़ता है? बहुत ज़्यादा खोना पड़ता है। मैं कितनी रिहर्सल ज़्यादा नहीं, मैं मेरी फिल्म रिजवान की बात करूँ मैं, तो रिजवान में क्या था कि मुझे मेरे खुद के उम्र से बड़ा किरदार था, ठीक है, बड़ा बिजनेसमैन था, मैं बिजनेसमैन तो हूँ नहीं प्रेम पर, हाँ किरदार ने MBA किया हुआ था, तो मैंने रियल में MBA किया हुआ है, तो वो मैच कर गया। और MBA में कंपनीज़ में कैसे लोग बात करते हैं तो उसके लिए, और दूसरा ये है कि वो बंदा जो है नेगेटिव है और मेरी जो पर्सनैलिटी है उससे उम्र में भी बड़ा है वो, और शरीर में भी बड़ा है, तो उस चीज़ के लिए मुझे फिजिकली चेंज करना पड़ा और वो एटीट्यूड निकालना पड़ा। और डेफिनेटली मेरे अंदर वो फील मैं लाता था कि मैं कंपनी का ओनर हूँ और मैं हूँ, मतलब सब कैसे तैसे कर दूँगा, वैसा फील था मेरे अंदर, वो करते हैं। अब जैसे मैं हाल ही में एक क्राइम अलर्ट का शो किया था मैंने दंगल TV पर, उसमें अब मेरा नेचर कैसा है, मैं हूँ, मैं थोड़ा सा स्थिर था, मैं थोड़ा सा स्टेबल होके बात करता हूँ, मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ मैं ऐसे ही हूँ, मैं जिससे भी बात करता हूँ मैं ऐसे ही बात करता हूँ। तो कैमरे पे क्या है कि मेरे किरदार अलग अलग हैं। अब एक किरदार ऐसा था कि जिसके अंदर मुझे बहुत ज़्यादा जोली होना था, जो बड़ा ही फ्लर्ट करने वाला है, मतलब लड़कियों से बहुत ज़्यादा फ्लर्ट, मतलब हर लड़की के साथ फ्लर्ट करता है, मजाक मस्ती में एनी टाइम वो ओवर रहता है। अब मैं योगा करता हूँ ये, तो मैं एकदम शांत रहता हूँ, अब वो कैसे निभाऊँ मैं। तो मेरे सर्किल में बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो वैसे हैं, जो एक साथ 5-5 गर्लफ्रेंड रखते हैं,
तो उनको ऑब्जर्व किया मैंने कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं. सारा खेल ऑब्जर्वेशन का है, किसको कितना ऑब्जर्व करते हो आप. हाँ, मैं एक इरफान खान साहब का एक स्पीच सुन रहा था, तो वो भी बता रहे थे कि हमारे साथ जो सबसे बड़ा जो हमारा प्लस पॉइंट था कि हम जनता के बीच में रहते थे, उनको ऑब्जर्व करते थे. हाँ, वही है, वही नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी बोलते हैं. सॉरी नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब. हाँ हाँ, वही सब वही बोलते हैं. और मैं तो, आपने नोटिस किया हुआ, मैं गांव आता रहता हूँ, हर जितने हो सकता है ना उतने लोगों से मिलता हूँ मैं. भले ही सोशल मीडिया पे ज़्यादा फॉलोवर नहीं होंगे, पर मैं डायरेक्टली लोगों से ज़्यादा मिलता हूँ, डायरेक्टली लोग ज़्यादा जानते हैं मुझे. मैं हर किसी गांव, बच्चे, सबसे मिलता हूँ, जानबूझ के मिलता हूँ, क्योंकि ये यही किरदार आगे चल के काम आएंगे मुझे. इसलिए मेरे हर मेरे सर्किल के, हर क्षेत्र के मेरे लोग मिलेंगे जो मेरे फ्रेंड सर्किल में है, चाहे वो टीचिंग के हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे किसान हो, चाहे IAS हो, चाहे पॉलिटिकल हो, हर मैं फील्ड के लोग मेरे फ्रेंड्स हैं. कहाँ भी कोई भी काम करना पड़ सकता है. कहाँ, वो ऑब्जर्वेशन है, वो तो चलो मेरे सर्किल की वजह से मेरे फ्रेंड बने हैं लोग, बट मेरे को अभिनय करने में आसानी होगी अगर उनका किरदार मुझे निभाने का अवसर मिलेगा तो. ये है एक क्वेश्चन, ये था कि कुछ लोग जो इंडस्ट्री की चकाचौंध को देख के एक्टिंग में आ जाते हैं, हाँ, और जो कर रहे हैं उससे भी हाथ धोना पड़ जाता है. गलत है वो. तो खुद के अंदर के टैलेंट को कैसे पहचाने कि हमें इसी इंडस्ट्री में जाना है. देखो क्या है, मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं, क्योंकि मैं अपने एरिया का मैं जीता जागता उदाहरण हूँ. मैं जो पिछले 10 वर्षों से उस इंडस्ट्री को अंदर पिरो के रखा, कितने मेरे सामने कितने आए, कितने गए, कितने आए. क्योंकि 10 साल का मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत टीनेज से ही काम करने, बहुत कम उम्र से ही मैं इस इंडस्ट्री में आ गया था. मैं कॉलेज के तुरंत बाद आ गया था मैं, तो इसलिए मेरे को 10 साल का टाइम मिल गया. मतलब कम एज में ही मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया. मतलब इतनी यंग एज में 10 साल का एक्सपीरियंस मिलना अच्छी बात है. तो उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम जाना चाहते हैं, हमें भी अच्छा लगता है, ये है वो है. किसी दूसरे के कहने पे नहीं, मेरा ये मानना है, आप एक बार, आपको खुद को समझ में आ जाएगा अपने एरिया में, अगर आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, वहाँ पे स्टेज पे जाते हो, आप कैसा रिस्पॉन्स मिलता है आपको लोगों से. आपको वैसे बोल दिया अगर दिखने में अच्छा निकल जा, नहीं, जेन्युइनली आप कैमरे के सामने कैसे हो, आप बोलते हो भाई. मुझे तो, मैं हमेशा बोलता हूँ, कैमरा इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड ऑफ माइन. मेरी कॉलेज, मतलब मेरी गर्लफ्रेंड, मैं कैमरा को गर्लफ्रेंड समझता हूँ, आपको बिलीव नहीं होगा. इतनी प्यार हो जाता है मेरे को कैमरा जब चालू होते ही. अभी कैमरा चालू है तो मेरे को ऐसा फील आ रहा है कि आप कितनी देर बुला सकते हैं मेरे को, समझ रहे हो. तो वो आपको फील आना चाहिए. वो आप अगर स्टेज पे होते हो तो जो लोग हैं वो आपसे कितना ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं. अगर आपकी बात से अगर 1,000-5,000 लोग अगर रुक रहे हैं वहीं पर, इसका मतलब आप में कुछ है. तो इस चीज़ को फिर आप टेक्निकली स्ट्रॉन्ग करो. सीखना तो पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि मुंह उठा के मुंबई चले गए या मुंह उठा के. इवन आजकल तो यूट्यूब पे भी सीखना पड़ेगा. यूट्यूब पे भी इतना कंपटीशन आ गया है, सोचो आप. लोग बड़ी एजुकेशन के साथ आते हैं, एजुकेशन के साथ आते हैं. नहीं, कॉमेडियन भी जो, चलो राजस्थानी भाषा में भी कॉमेडी करते हैं, वो करके सीख गए ना. आप देखो, आप उनको पता है कैमरा कहाँ से शूट करना है, लाइटिंग किधर है, कैसे बोलना है, कैसे रोना है, कैसे हंसना है. तो चीज़ें देखो, ये है कि आपको काम तो करना पड़ेगा उस पर. ये है जो भी करना चाहता है, मेरा ये मानना है. आप अपनी फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो उसके बारे में आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि सबसे सरल चीज़ें क्या हैं जिनको करके हम फिट रह सकते हैं. देखिए, मैं आजकल के जो बच्चे हैं वो आर्मी की तैयारी करते हैं, तो उसके लिए रनिंग करते हैं. मैं अभी भी 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर मैं रनिंग करता हूँ. और यहाँ से तारानगर है 16 किलोमीटर. अच्छा. तो मैं बहुत बार भाग के जाता हूँ वहाँ तक. ठीक है, 16-17 किलोमीटर यहाँ से. अभी मैं लॉकडाउन में हूँ, यहीं पर राजस्थान में बुचावास में हूँ. अभी प्लानिंग चल रही है कि एक दिन सरदार शहर जाऊँ मैं, यहाँ से थोड़ा दूर है. मेरा ये मानना है, आप अपने सीमाओं को जितना लांघोगे, जितना पार करोगे, उतना ही आप, चाहे मेंटली हो, फिजिकली हो, आप स्ट्रांग होते जाओगे. बेसिक चीज़ें हैं, आप सूर्य नमस्कार करें, सबसे बेस्ट है, जिसको फादर ऑफ ऑल आसन बोलते हैं. आप योग करो, सबसे बढ़िया कुछ भी नहीं करो ना, रनिंग करो. आप 10-15 मिनट, 20 मिनट भी रनिंग करोगे ना, मुझे नहीं लगता कोई बीमारी या कुछ प्रॉब्लम होगी. मैं जिम नहीं करता, कुछ नहीं करता. आप मुझे रात को 3 बजे भी उठा के बोलोगे कि अभिनय करना है, और 3 बजे भी उठा के बोलोगे कि हाथों पे चलना है, तो मैं चल दूँगा. ये है. तो फिटनेस ऐसा रखो, 24 आवर्स वाली फिटनेस. ये है. जब
जब हम किसी प्रोफेशन में कदम रखते हैं तो जो इंडस्ट्री के टॉप लोग होते हैं वो हमारे आइडल होते हैं। तो आपको मुंबई में जाके कभी मौका मिला कि अपने आइडल से कुछ लोगों से मिलने का, जो मतलब आपकी ख्वाहिश थी कि मैं? शुरू से ही हमारे आइडल जो हुआ करते थे वो यही थे, इरफान खान, मनोज वाजपेयी। इरफान खान से तो मुंबई जाने से पहले मिल लिया था मैं। अच्छा, जयपुर में हमारी मुलाकात हो गई थी इरफान खान जी से जब वो जयपुर में थिएटर में आए थे तब। उसके बाद किसी को वैसे आइडियल नहीं, मतलब हर एक्टर से कुछ ना कुछ सीखने की, जैसे विद्युत जामवाल है वो मार्शल आर्ट करता है तो उससे मार्शल आर्ट कहाँ क्या है, इससे ये चीज़ नई चीज़ सीखनी है। ठीक है, मनोज वाजपेयी को जितने भी एक्टर हैं सब गुरु मानते हैं, तो उनसे वैसे ही सीखने को मिलता है। ठीक है, अब क्या मैं खुद 10 साल से काम कर रहा हूँ तो अब आइडियल नहीं रहा। जो भी अच्छा काम करता है कोई भी एक्टर, अगर कोई नया काम करता है तो उससे सीखने को मिलता है, तो वही हमारे लिए एक नई चीज़ है कि हाँ यार इसने अच्छा किया है, ये अगर अपन करते तो कैसा करते। मुंबई जाने से पहले आइडियल ज़रूर थे, आइडियल थे अपने इरफान खान थे, उनसे मुलाकात पहले ही हो गई। ये है मनोज वाजपेयी थे, मनोज वाजपेयी से एक बार मिलना हुआ है। उसके अलावा आमिर खान है, वो बहुत अच्छे लगते हैं, उनके साथ मिलना हुआ नहीं अभी तक। ये है, बाकी तो इतना नहीं, कुछ किसी चीज़ से ऐसा नहीं है कि मुझे, मैं ऐसे पागल रहूँ उसके पीछे, ऐसा नहीं है। आपका कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप शुरू का नाम रोशन करते रहें और ऑडियंस को कुछ संदेश देना चाहें। थैंक यू सो मच। मैं तो यही कहूँगा कि हिंदी में भी बता रहा हूँ और मारवाड़ी में भी मैं यही बोलूँगा कि मैं चुरू हूँ, चुरू में तारा, एंड प्राउडली आई कैन से आई एम फ्रॉम चुरू, चुरू विलेज पोस्ट बुचावास, तहसील तारानगर, डिस्ट्रिक्ट चुरू। सो आई विल मेक प्राउड ऑल ऑफ यू सून एंड ऑलवेज। मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि चुरू का नाम है वो रोशन करूँ, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और मेरा ये मानना है कि किसी भी चीज़ के पीछे अगर आप पड़ जाते हो तो मुश्किल थोड़ी बहुत हो सकती है पर वो असंभव नहीं है, अगर दिल से अगर आप कोशिश करो तो। बस मेहनत करोगे और मेहनत का फल जो है वो ज़रूर मिलता है, ये मेरा मानना है।